हेलो एवरीवन, आज अपन एम लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बुक देख सकते हैं आप, ये रही इसका पूरा नया एडिशन है बुक का। मैंने इस चैप्टर के स्पेशल नोट्स बनाए हैं जिससे आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1-4। आर्टिकल 1-4 एक्सप्लेन करता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के अंदर आता है। ओके, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब अबाउट इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, नहीं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडियन स्टेट्स जो हैं वो फेडरेशन के फॉर्म में नहीं है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स के फॉर्म में है। ओके, इंडिया शो फेडरल फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम दी, लेकिन अपन बोल रहे हैं इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए क्या है कि सवाल उठता है कि इंडिया जो है वो फेडरल फीचर शो करता है मैक्सिममली, नॉन फेडरल भी शो करता है पर फेडरल फीचर ज्यादा शो करता है, मैक्सिमम तौर पर फेडरल फीचर शो करता है। तो अपन इंडिया को फेडरेशन क्यों नहीं बोल रहे, यूनियन क्यों बोल रहे हैं, सवाल ये है। ओके, अगर इंडिया फेडरल फीचर शो करता है तो अपन उसको फेडरल बोलना चाहिए, फेडरल ऑफ स्टेट्स बोलना चाहिए, लेकिन अपन ऐसा नहीं बोलते। इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, अपन उसको बोल रहे हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ओके, सो ये क्वेश्चन है ऐसा क्यों है। सो इसका रीजन है बिकॉज ऑफ द टू रीजन बी आर अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दो रीजन दिए इस चीज के पीछे कि इंडिया हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि इंडियन की जो स्टेट है, इंडिया की जो भी स्टेट है उसके पास राइट नहीं है कि फेडरेशन से एस्केप हो जाए। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि मान लीजिए मध्य प्रदेश बोले इंडिया से कि मेरे को मध्य प्रदेश को आपके इंडिया का पार्ट नहीं होना, हम अलग हो रहे हैं, तो किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो ऐसा बोल पाए, है ना। तो स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन से आजाद होने का इंडियन स्टेट्स को कोई राइट नहीं है, पहली चीज है। सेकेंड इसका रीजन ये है कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिका। देखिए दूसरी चीज ये भी है कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो अमेरिकन स्टेट की तरह अपनी मर्जी से इंडिया के फेडरेशन में शामिल नहीं हुई, उनको शामिल किया गया है, ठीक है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में कि हम आपका साथ देंगे, है ना। तो दो रीजन है कि अपन यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बोल रहे हैं इंडिया को और फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन, फेडरेशन से आजाद होने का तो कोई राइट ही नहीं है स्टेट्स को, और इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट अमंग द स्टेट लाइक अमेरिका। ओके, अमेरिका की तरह नहीं है कि कोई एग्रीमेंट साइन हुआ स्टेट्स के बीच में और सेंटर के बीच में। ओके, द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज अनडिस्ट्रक्टेबल। देखिए यूनियन जो है वो फेडरेशन का ही एक रूप है, बस यूनियन अनडिस्ट्रक्टेबल होती है, आप यूनियन को तोड़ नहीं सकते, यूनियन का मीन्स ही होता है अनडिस्ट्रक्टेबल। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया क्लासिफाई इनटू 3 कैटेगरीज, इंडिया की टेरिटरी को 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, बहुत आसान चीज है, इसमें समझाने जैसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, कि स्टेट की अपनी टेरिटरी है, है ना, जैसे मध्य प्रदेश है उसकी अपनी टेरिटरी है, उत्तर प्रदेश है उसकी अपनी टेरिटरी है, तो हर स्टेट की एक अपनी टेरिटरी है, यूनियन की एक अपनी टेरिटरी होगी, यूनियन टेरिटरीज होती है। ओके, और क्या है, टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, जैसे इंडिया ने किसी दूसरे स्टेट दूसरी की उस पर टेरिटरी को एक्वायर्ड कर लिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो टेरिटरी हो गई। इस चैप्टर को समझने के लिए मैंने एक बहुत आसान तरीका बनाया कि अगर अपन चारों आर्टिकल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें तो ये चैप्टर अपन को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आर्टिकल 1 जो है वो डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ऊपर अपन ने ये चीज देख ली कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। तो आर्टिकल 1 अपन को इसी बारे में बताता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम कर रहा है। ओके, आर्टिकल 1 क्या बता रहा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम कर रहा है। अब कैसे एम्पावर कर रहा है ये अपन आगे देखेंगे, तो अगर आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ओके, अब अपन आर्टिकल 2 की बात करेंगे, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को कैसे पावर दे रहा है। अपन ने देखा कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम कर रहा है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे कर रहा है पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम, तो वो दो तरीके से पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम कर रहा है। पहले तो एडमिट अ एग्जिस्टिंग स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, कि कोई एग्जिस्टिंग स्टेट, ऑलरेडी कोई स्टेट है जो एग्जिस्टिंग है, उसको इंडिया का पार्ट बना ले, उसको इंडिया के अंदर ले ले,
पहला काम तो ये कर सकता है, दूसरा काम क्या कर सकता है कि पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, कि कोई स्टेट नहीं है ओके, लेकिन वो न्यू स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट बिल पास करके इंडिया के अंदर ही कोई कोई पार्ट अलग करके न्यू स्टेट बना सकता है ओके। तो दो दो तरीके से काम कर सकता है कि एक तो एग्जिस्टिंग स्टेट को ही इंडिया का पार्ट बना ले, दूसरा कि न्यू स्टेट डेवलप कर दे ओके, जैसे कि तेलंगाना कर दिया ओके। सो न्यू स्टेट भी डेवलप कर सकता है, एग्जिस्टिंग स्टेट को भी इंडिया का पार्ट बना सकता है। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 मेनली जो है एग्जिस्टिंग स्टेट है, आर्टिकल 3 उसमें चेंजेस का काम कर रहा है। देखिए आर्टिकल 3 क्या कर रहा है, मेनली चेंजेस पर फोकस कर रहा है जो एग्जिस्टिंग स्टेट है ओके। आर्टिकल 1 क्या कर रहा था, आर्टिकल 1 कर रहा था ये डिस्क्राइब कर रहा था कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट कैसे है। आर्टिकल 2 क्या कर रहा है, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को एम्पावर करने का काम कर रहा है। और आर्टिकल 3 क्या कर रहा है, आर्टिकल 3 मेनली जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें चेंजेस का काम कर रहा है। कैसे चेंजेस, अगर अपन ये चीज बोल रहे हैं कि आर्टिकल 3 चेंजेस कर रहा है तो सवाल उठता है कि कैसे चेंजेस हैं वो ओके। सो वो पांच प्रकार के चेंजेस हैं, आप देख सकते हैं, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम वन स्टेट और बाय यूनिटाइंग और टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनिटाइंग और टेरिटरी टू एनी पार्ट ऑफ एनी स्टेट ओके। ये चीज समझ लीजिएगा आप, बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, सेपरेट कर रहे हैं टेरिटरीज को, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, की किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा दिया, या फिर डिमिनिश भी कर सकते हैं, या फिर ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्रीज को, या फिर नेम्स में चेंज कर सकते हैं ओके। सो ये 5 पॉइंट्स हैं, आप अगर इनको पढ़ भी लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। बस ये समझ लें कि आर्टिकल 3 चेंजेस का काम कर रहा है। चेंजेस पांच प्रकार के हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया कि बाउंड्री बढ़ा दी, बाउंड्री घटा दी, बाउंड्रीज एक्सचेंज कर दी ओके, ऑल्टर कर दिए नेम्स, ये सारी चेंजेस हैं। उसके बाद अब अपन देख रहे हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं ओके। आर्टिकल 2 बात कर रहा है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है ओके। आर्टिकल 2 क्या बात कर रहा है कि किसी स्टेट को अपने में शामिल कर लो या न्यू स्टेट क्रिएट कर लो जो कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट है, पार्ट नहीं है सॉरी ओके। जो आर्टिकल 2 बात कर रहा है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट का पार्ट नहीं है, इस्टेब्लिश कर लो न्यू स्टेट या न्यू स्टेट को क्रिएट कर दो। आर्टिकल 3 बात कर रहा है सिर्फ चेंजेस की ओके, मींस एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस की बात कर रहा है ओके। सो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ओके। सो अपन ने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 देख लिया। आर्टिकल 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हैं जो अपन को देखने, पर उससे पहले अपन नोट्स के दो पॉइंट समझ लें। नोट्स के पॉइंट ये कह रहे हैं कि द स्टेट आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर। इस बात का मतलब ये है कि जो स्टेट है वो फेडरल सिस्टम का पार्ट है, ऑलरेडी अपन देख चुके हैं पहले कि स्टेट फेडरल सिस्टम का पार्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेंटर स्टेट के साथ पावर को शेयर करता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट की अपने पास कुछ पावर नहीं है, स्टेट पूरी तरीके से सेंटर पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है ओके। सेंटर ने स्टेट को कुछ पावर दी हुई है ओके। सो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर है। सेकंड पॉइंट ये है कि यूनियन टेरिटरी जो है वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके, कि यूनियन टेरिटरी आर एक्वायर्ड टेरिटरी एंड डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं कि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ओके। सो आपने बार बार देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार के साथ बहुत ज्यादा क्लैश होते रहते हैं, कि अरविंद केजरीवाल ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि मोदी सरकार उनको काम नहीं करने दे रही। ऐसा क्यों है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है, ज्यादा इन्फ्लुएंस है ओके। सो ये दो पॉइंट हैं जो आपको नीचे काम आएंगे, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आर्टिकल 3 अपन ने ऑलरेडी देख लिया है कि आर्टिकल 3 चेंजेस के लिए बात करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट जो है उनके चेंजेस के लिए बात करता है, लेकिन उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन को देखना जरूरी है, अपन उनको देख लेते हैं। उन चेंजेस के लिए, जैसे अपन ने ये तो देख लिया कि आर्टिकल 3 चेंजेस की बात कर रहा है, ये बात अपन ने समझ ली, लेकिन उन चेंजेस को करने के लिए दो कंडीशन भी हैं। वो कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कोई भी चेंज लाने के लिए, पार्लियामेंट्री बिल लाने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी है, कि प्रेसिडेंट रिकमेंड जरूर करेगा कोई भी चेंज लाने के लिए आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ओके। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव के भी व्यू जानेगा इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जिस भी स्टेट के अंदर वो चेंज करना चाह रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की वो बाउंड्री को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं,
तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो उसे कंसल्ट जरूर करेंगे, उनके लेजिस्लेचर के व्यूज जरूर जानेंगे, बट इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी व्यूज रखने के लिए प्रेसिडेंट को। दूसरी चीज, नॉट इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, जबकि यूनियन टेरिटरी के केस में ऐसा नहीं है, यूनियन टेरिटरी के केस में कोई व्यूज नहीं जाने जाएंगे। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों? अपन ने ऑलरेडी नोट का ऊपर पॉइंट देख लिया है कि डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा वो है, कंट्रोल है यूनियन टेरिटरी के पास। ओके, सो यूनियन टेरिटरी के अंदर चेंजेस करने के लिए कोई रिकमेंडेशन, कोई व्यूज नहीं जाने जाएंगे। ओके, नोट का पॉइंट है, बट द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द व्यूज ऑल्सो। अपन ने देखा कि प्रेसिडेंट व्यू जाने का स्टेट लेजिस्लेचर का बिल्कुल सही बात है, लेकिन लेकिन पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का व्यूज जानने के बाद जरूरी नहीं कि उनके व्यूज को मान ही ले। वो चाहें तो उनके व्यूज को रख सकते हैं, मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो उनको दरकिनार कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि वो उनके व्यूज को जानेंगे और उनको फॉलो ही करेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। ओके, लेकिन अमेरिका जो है इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। ये क्या है, ये पॉइंट अपन समझ लेते हैं कि अगर इंडिया यूनियन चाहे, सेंटर चाहे, तो किसी भी राज्य को खत्म कर सकता है। जो स्टेट्स हैं उन वो डिस्ट्रक्टेबल है, वो मिटाए जा सकते हैं। सेंटर पे पूरी पावर है, वो चेंजेस ला सकता है जैसे वो चाहे, वो चाहे तो खत्म कर सकता है, वो चाहे तो स्टेट को बना सकता है। ओके, सो इंडिया जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है। यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता इंडिया की यूनियन को, तो वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो स्टेट है वो डिस्ट्रक्टेबल है, जबकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ना तो आप यूनियन को तोड़ सकते ना आप स्टेट को तोड़ सकते। फाइनली अपन ने तीन आर्टिकल समझ लिए, 1, 2, 3, उनको डिटेल में देख लिया। अब अपन आर्टिकल 4 लास्ट जो आर्टिकल है उसको देखेंगे। ओके, लेकिन आर्टिकल 4 को समझने से पहले अपन आर्टिकल 368 के बारे में एक चीज जान ली। पिछले चैप्टर में था आर्टिकल 368, चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 3 में, जैसे नहीं पढ़ा मैं उसको बता देता हूँ आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर आपको पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाना है आर्टिकल 360 के अंदर, तो आपको दो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी। ओके, अगर आपको आर्टिकल 360 के अंडर कोई भी बिल पास करवाना है पार्लियामेंट में, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो आर्टिकल 4 अब अपन देख लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 4 डिक्लेयर दैट द लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि आर्टिकल 2 के अंदर आता है। आर्टिकल 2 के अंदर ही तो अपन एस्टेब्लिश कर रहे हैं स्टेट्स को। ओके, एंड आर्टिकल 3 के अंदर अपन चेंजेस कर रहे हैं, चेंजेस मेड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टेट आर्टिकल 3। तो ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 4 कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर जो भी अपन काम कर रहे हैं, चाहे वो चेंजेस कर रहे हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, डू नॉट रिक्वायर्ड आर्टिकल 368। उसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। मतलब कि कंक्लूजन क्या निकला कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करवाने के लिए अपन को स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है, वो सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है। ओके, अगर अपन पार्लियामेंट में कोई बिल ला रहे हैं और उसमें सिंपल मेजोरिटी है, तो भी आर्टिकल पास हो सकता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। उसके लिए आर्टिकल 368 की कोई नीड नहीं है। ओके, सो ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में अपलोड करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। ओके, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक समझना है लक्ष्मीकांत से, तो प्लीज रिकमेंड कर दें, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल दूंगा। ये मेरा पहला वीडियो था।